आज पूरे देश का किसान और विशेष तौर से पंजाब और हरियाणा का किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठा है। किस तरीके से हरियाणा के अंदर उनके साथ बर्बरता हुई है, ये सारी मानवीय पक्षों को लांग कर हुई है और किसी भी सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को, ये इस पर शर्म आनी चाहिए। ये जिस तरीके से किसानों की रोजी रोटी का सवाल है, आज इस देश का अन्नदाता सरकार से मांग कर रहा है कि हमारी बात सुनी जाए, लेकिन किस तरीके से हल्केपन से केंद्रीय सरकार इसको इनकी मांगों को ले रही है, संसद में भी इसी तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से इन बिलों को पास कराया गया है। जिन किसानों की भलाई के लिए मोदी जी आप कह रहे हैं, वो किसान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमारी जिंदगी और आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी इसमें अंधकार होगा, आप उस पर विचार क्यों नहीं करना चाहते? और आज जो सवाल है वो सवाल इस बात का है कि ये जो अन्नदाता हैं, ये अन्नदाता इस देश की खाद्य सुरक्षा को संरक्षित करते हैं। अब मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये सवाल सिर्फ किसानों तक नहीं है, ये जो जब आपने लिमिट हटा दी है तो जो आपके जो पूंजीपति मित्र हैं, ये पूंजीपति मित्र अथाह स्टॉक करेंगे और अथाह स्टॉक करने के बाद कल उपभोक्ताओं का शोषण होगा। और इतना ही नहीं, जो संसद के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो इस देश में खाद्य सुरक्षा का कानून पास किया है, अगर सरकार खरीद नहीं करेगी तो अंत में इस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या होगा, इस पर भी आपकी सरकार मौन है। आज ये जो अन्नदाता आए हैं, इनका स्वागत होना चाहिए, इनसे बात होनी चाहिए। और ये आज जो सरकार का रवैया है, हम इसकी पूरी तौर पर निंदा करते हैं। और पूरा देश का जो इंसाफ पसंद आदमी, इंसानियत पसंद आदमी है, इन किसानों के साथ खड़ा है।